टेस्ट करके बताना कैसी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं बना रही थी डिनर और डिनर में मैं बनाने वाली थी आज बूंदी का मीठा, साथ में मिक्स वेज भी बनाने वाली हूँ, पर बूंदी का मीठा बनाने की मैंने सोची थी, पर पता क्या, और यहाँ पे देखो चाशनी मेरी बन रही है, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी चाशनी बन रही है, ऑलमोस्ट बन ही गई है। और उसके बाद मैंने बूंदी निकाली ना, पहले मैंने देखा नहीं, और बूंदी निकाली तो इस बूंदी को थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो ये बूंदी नमकीन है भाई, मुझे लगता है रायते वाली बूंदी है। तो अब क्या करूं, अब मैंने तो ये बना दिया, अब पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन मैं निकाल दी है, अब जब टेस्ट करके देखा, पहले मैंने चाशनी भी बनी लेकिन मुझे अब मीठा तो बनाना ही है, कुछ और मेरे पास है नहीं जिसका मैं बना सकूं मीठा, तो बस इस बूंदी का ही मैं मीठा बनाऊंगी। क्या है कि बच्चों को भी मीठा खाना बहुत पसंद है और उसके साथ पति देव को भी मीठा खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं मीठा बना। चलिए अब और क्या कर सकती हूँ, नमकीन बूंदी का ही मीठा बनाती हूँ, रायता तो बहुत खाते होंगे नमकीन का पर चलिए आज मीठा भी बना के देखती हूँ। तो मैंने क्या किया ना, अभी मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने कहा इसको धो ही लेती हूँ, क्योंकि धोने से शायद इसका नमक थोड़ा सा निकल जाए और इसमें जो भी हल्का खट्टापन था वो भी, तो मैंने धो लिया इसको और धो के फिर मैंने बनाया है इसको, तो अभी मुझे ठीक लग रही है ये। वैसे नमक इसका निकल गया था जो धोया, फिर उससे नमक निकल गया, तो फिर इसका मीठा बहुत टेस्टी बनता है। कौन कौन बनाता होगा बूंदी का मीठा प्लीज बताइएगा जरूर, बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो इसका मीठा। बताओ अब बताओ बताओ जरा क्यों रो रही है शुभी, रो तो रही है, देखो दिखाओ जरा आंखें दिखाओ अपनी दिखाओ, क्या बोला सुबी ने अभी अभी, क्या बोला क्या बोला, बताओ 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 प्लीज बताओ मेरा बच्चा बताओ, आप बता दो सुबी क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, मैं किससे करती हूँ ज्यादा प्यार, बताओ आप बोल रहे थे अभी, क्या बोल रही थी, किससे करती हूँ मैं ज्यादा प्यार, जोर से बोलो, थोड़ा पेंसिल डालती से। कब लगा आपको पता है कि शिवा से मम्मा ज्यादा प्यार करती है? 2 साल पहले। 2 साल पहले पता लगा कि मम्मा शिवा से ज्यादा प्यार करती है? हाँ। गलत बात है ये, ऐसा क्यों लगा वो बता, सही बात है, इधर देखो क्लास लग रही है तो। ठीक है क्लास लगा ले फिर करते हैं बात, ठीक है। सो हेलो गाइस, अभी नेक्स्ट डे, आज मैं शिवा की तरह बोल रही हूँ, हेलो गाइस जी, नेक्स्ट डे शाम हो रही है और अभी शिवा और सुबह चले गए हैं बाहर, तो मैं एक डिश आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं भी इसको पहली बार बना रही हूँ, काफी टाइम हो गया खाया ही नहीं है। आप बोलोगे कि ज्यादातर स्वीट्स ही बता रही है आजकल, पता क्या सुबह ना मेरा दूध थोड़ा सा बच गया था, मतलब शाम का, तो दही उसका कुछ अच्छा नहीं बन रहा था, उसका मैंने पनीर बनाने की सोचा, पनीर इतना कम बन रहा था, देखो इतना सा पनीर बन रहा था, तो मैंने क्या किया उसको ऐसे ही पोटली बांध के रख दिया, ऐसे ही रख दिया। अब इसका मैं बनाने वाली हूँ रस मलाई, कोशिश करूंगी कि मुझसे वैसे ही रस मलाई बने जैसे हम मार्केट में खाते हैं, उतना सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं है बट फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगी। तो इसमें देखिए बस थोड़ा सा है मेरे पास ये, तो इसको पता क्या करना होता है, वैसे हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे, जैसे दूध को या तो फाड़ लेंगे खुद नींबू डाल के उसमें, जैसे उबाल आ जाए तो उसको फाड़ना है, वैसे जैसे सेम हम वैसे पनीर बनाते हैं सेम वैसे ही। फिर इसको इस तरह से पोटली बांध दो, लगभग आधा घंटा इसको पोटली को रखो ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी है ना वो निकल जाए, इससे रखेंगे। फिर इसको खोल देंगे, अभी मैं खोलने के बाद क्या करेंगे हम वो मैं आपको यहाँ पर। तो देखिए ये रही मेरी पोटली, इसको मैं खोलूंगी इस तरह से, कुछ इतना सा मेरा बना है ये, तो ये काफी इनफ है हमारे लिए। तो अब इसको देखिए इस तरह से करेंगे, खोलेंगे इसको और इसको अच्छे से, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे हम इसका डो बना लेंगे इसका अच्छी तरह से, ठीक है, ऐसे अच्छी तरह से इसका डो बना लेंगे वैसे ही जैसे हम आटा गूंथते हैं, ताकि हम इसके अच्छे से पेड़े बना सके, इसीलिए हम इसको ऐसे ही गूंथेंगे। तो अब देखिए मैंने इसको अच्छे से गूंथ लिया है, अब हम इसके बनाएंगे पेड़े छोटे छोटे लेके, इस तरह से हम इसके पेड़े बनाएंगे, इस तरह से राउंड राउंड हम इसको घुमाएंगे और जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसे ही हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे पेड़े आप बना लीजिए जितने भी बनते हैं, ये देखिए ऐसे बना लूंगी मैं इसके पेड़े,
तो ये देखिए फाइनली मेरी चार पेड़े बन चुके हैं। अब चलिए अब करते हैं नेक्स्ट काम। अब मैंने गैस पे रख दिया है एक बर्तन और अभी डालूंगी मैं इसके अंदर चीनी। इसे चीनी मैंने डाली है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। और चलिए गैस अपनी ऑन कर लेते हैं और अब इसको उबलने। चलिए अब हम इसको हिला लेते हैं ताकि चीनी हमारी अच्छे से गल जाए इसके अंदर। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है और ये हम कोई चाशनी नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ ये जो पेड़े हमने बनाए इनको हम बॉईल करेंगे। इसलिए मैंने इसमें ये चीनी और चीनी इसलिए डाली ताकि इसके अंदर जो पेड़े हैं ना इनमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। चीनी अच्छे से घुल गई है इसके अंदर और इसमें भी उबाल आने लग गया है। अब इसको थोड़ी सी देर और उबलने देते हैं इसको। तो देखिए ये चाशनी नहीं सॉरी जो चीनी और पानी मैंने डाला था ये मेरा उबल चुका है। चाशनी रख लीजिए एक तरह से। अब मैं गैस को लो कर रही हूँ और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये अपने पेड़े। होप कि मेरे पेड़े ये पिघले ना और अच्छे से बॉयल हो जाए, जो चीनी है वो इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। अब हम इनको बॉयल करेंगे। चलिए जब तक ये बॉयल होते हैं ऊपर से मैं लगा लूंगी, कवर कर लूंगी इनको, ढक्कन में लगा लूंगी। ढक्कन मैं इसी को ही लगा रही हूँ जिसपे मैंने रखा था, ये लो फ्लेम में चेक कर लेते हैं कहीं घुल तो नहीं गए क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है अभी तो। नहीं भाई ये तो बड़े अच्छे से हो रहे हैं, अभी बस फूलने ही वाले हैं। लगभग मैंने इनको 5 मिनट रखा है अभी। अभी मैं थोड़ी सी देर इसको और रहने दूंगी ताकि अच्छे से कुक हो जाए और अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाए। तो घुले तो नहीं है ये, एक में तो मैं पास हो गई, आगे देखते हैं। चलिए अब फिर से चेक लेती हूँ, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। देखिए अच्छे से फूल चुके हैं ये, अब लगता है अच्छे से हो चुके हैं। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, बंद नहीं करूंगी सॉरी, अभी मुझे रखना है दूध बॉयल होने को। तो इसको मैं पहले उठा देती हूँ, साइड कर देती हूँ इनको, क्योंकि अच्छे से कुक हो चुके हैं। और अब मैं इनको हटा देती हूँ साइड। दूध देखिए मलाई भी है क्योंकि मैंने सुबह भी बॉईल किया था इस दूध को। तो इस दूध को ना हम अच्छे से बॉईल होने देंगे, जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद भी हम इसको उबालते रहेंगे तब तक जब तक कि ये मतलब जैसे मान लो ये 400 ग्राम है तो लगभग बॉईल करते करते जब ये 250 ग्राम या 200 ग्राम के आसपास ना रहे तो लगभग आधा रहे उससे, तब तक हम इसको बॉईल करते जाएंगे और लगातार स्टेयर भी करते जाएंगे। बॉईल हो गया है दूध, एक बॉईल इसको आ गया है तो बस इसको ऐसे ही बॉईल होने देंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए, तब तक मैं इसको ऐसे ही बॉईल करूंगी। और उससे जैसे खोए जैसा टेस्ट आता है ना, मावा जैसा टेस्ट आएगा फिर उसमें, तो उसकी थिकनेस हम बढ़ाएंगे अभी दूध की। तो इसको और ज्यादा बॉईल होने देंगे लेकिन लो फ्लेम में, वरना ये बाहर चला जाएगा। तो देखिए मैंने फ्लेम लो कर ली है, भी डाल दूंगी ताकि इसमें मीठा जैसा टेस्ट आए, इसलिए मैं इसमें चीनी भी डाल दूंगी। और चीनी ज्यादा नहीं डाली है मैंने अभी, लगभग 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें चीनी डाली है अभी। बहुत खाते हो, शाम को भी मीठा बना था क्या करूं, बच्चों को पसंद है। वैसे घर पे ऐसे ज्यादा नहीं बनता है मीठा, मैं यहाँ पर ही ज्यादा बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा जो जैसे टाइम निकल जाता है तो मैं उसको बना देती हूँ, पर रोज नहीं बनाती हूँ, ये आपको भी बताया। बीच बीच में बनता रहता है, जैसे 3-4 दिन में बन गया एक मीठा, पर आज हो गया, शाम को मीठा बना था अभी भी मीठा बन गया। ये देखिए अभी भी मेरा बॉइल हो रहा है ये, और अब लगता है बहुत कम हो गया है। देखो इतना था मेरा, ये यहाँ तक था ये, और अब उबलते उबलते देखो कितना हो गया है। और अब इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो रही है और ऊपर देखिए मलाई भी है। मलाई को साइड में हमने इस तरह से करना है। तो अभी देखिए मेरा हो चुका है ये, अब बिल्कुल थिक बन गया है ये। अभी मैं इसको इसमें डालूंगी थोड़ी सी नारियल का बुरादा जो मैंने रखा था कद्दूकस करके, इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आए। पता नहीं कैसा आएगा वो बाद में बताऊंगी आपको। अभी चलिए इसको बंद कर देते हैं और इसकी ये जो मलाई है ना ऊपर, इसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। मैंने भी फोन हाथ में पकड़ा हुआ है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। इस मलाई को पूरा हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसी के अंदर डाल देंगे इसको जो साइड। तो अभी देखिए मैंने अपने पेड़े एक बाउल के अंदर डाल लिए हैं।
अब इसके अंदर हम डालेंगे, एक बाउल के अंदर ही मैंने वो वाला भी निकाल लिया था पेस्ट जो हमने बनाया था मावा की तरह और नारियल डाल के। तो अभी इसके अंदर मैं और ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ ऊपर से, जो मैंने छोटे छोटे कट किए हुए हैं। ये देखिए फाइनली हमारी तैयार है। बस इतनी सी बहुत होती है क्योंकि बहुत भारी होती है, ये नहीं खाई जाती ज़्यादा। मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। ये देखिए आज पहली बार बना रही हूँ, देखते हैं किस तरह से बनती है, ये कैसी बनती है वो आगे देखेंगे। टेस्ट करके बताना कैसी है। मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई रसमलाई। थोड़ी सी पापा को भी छोड़ेंगे। ओके अब खाना है, मुझे भी दो। ये दो, एक पापा को छोड़ेंगे। मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई रसमलाई। आज खा लो पता चल जाएगा। मुझे लगता है सबका मन कर रहा है, सिर्फ इसमें ना केसर नहीं डाला। बिना केसर की भी वही अच्छी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मम्मी और पापा के लिए, आई मीन मेरे और मेरे पति देव के लिए, और ये शुभी शिवा। चलो शिवा थोड़ा खाओ, थोड़ा 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 खा के देखो, थोड़ा सा टेस्ट करके ढंग से। सच बताओ सच। सुबी ने कभी नहीं, कभी नहीं खाई। इतनी ज्यादा मत खिला इसको, इसको पता नहीं है अभी। ये जब इसको टेस्ट लगेगा ना, खीर बैठ वाले मिठू है, इसको पता नहीं चल रहा अभी। जब इसको पता चलेगा मिठू है, बैठ के बैठ जा, बैठ जा आराम से। कैसा है, कैसा है, कैसा है ये? बहुत यम्मी है, बहुत ज्यादा। इसमें लॉलीपॉप भी डाला है। कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा? भगवान से भी ज्यादा टेस्टी है। ऐसे उल्लू मत बनाओ। खीर खीर किया स्टार्ट शिवा ने, खाना बादाम खाया। अभी से शुभी ने बादाम ही उठाया। शुभी बोल बताओ कैसा बना है ये? उठाओ ऐसे, उठाओ तोड़ के, लो ऐसे खाओ। अब खाओ, उठाओ इसको, एक पीस उठाओ, एक पीस उठाओ, ये वाला पीस उठाओ, उठाओ। खाओ पनीर। देखो जरा शिवा को कैसा बना है, कैसा बना है, कैसा बना है? मीठा बना है, अच्छा है, गंदा है? बताओ अच्छा है, कितना अच्छा? बोलो बहुत अच्छा। सबको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बताओ? बनाना चाहिए। बताओ सुबी तो भूखड़ों की तरह पड़ी है, इतनी अम्मी। थैंक यू सुबी। अरे बाप अपने बेटे को एक तरीके से, देखो देखो इसको, इसने खुद की खाली कर दिया। तो ये देखो और मांग रहा है, तीन आदमी एक स्पून और मांग रहा है, क्योंकि स्पून नहीं मिल रहे भैया यहाँ तो। एक स्पून से खाना पड़ रहा है, गुजारा करना पड़ रहा है एक स्पून से। वो देखो उसको अभी भी वही कर दिए। सब मुझे गालियां देंगे, बोला कैसी माँ है। ये लो खड़ा, कैसा बुखड़ा है तू? हाँ लो खाओ। पहले तो सकल बना रहा था। नहीं मैंने नहीं खाना, जब मैं खिलाई थी तब तो खा नहीं रहा था। दादू ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बहुत खा लिया इतने, एक स्पून मुझे भी दे दो। देखो सुबी की जैकेट पहन रहा है। मैंने खोली थी ना तोड़ते हुए, मेरे को गर्मी लग रहा था। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।